हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर लाया हूँ एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एसएससी सीएचएसएल में किस तरह से जीके जीएस पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा शैवाल, यानी कि फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, द्विबीजपत्री में कि में परागकण में क्या होते हैं, कितने पोर होते हैं। तो द्विबीजपत्र में जैसे कि आप चने दाल देखे होंगे, चना का दो दो द्विबीजी है क्योंकि इसको फाड़ते हैं तो दो तरह से निकलता है। वह नहीं मसूर दाल या फिर हो सकता है मसूर दाल में भी दो द्विबीजी हैं, राहड़ की दाल इसमें भी दो बीजपत्र हैं, चने हो गए इसमें भी दो बीजपत्र हैं। तो कहने का मतलब बोला जा रहा है सवाल कि द्विबीजी पत्री में परागकण में क्या होते हैं, कितने पोर होते हैं। तो हम लोग पोर को देखते हैं। तो अगर मान लिया कि दो बीजी पत्र दो तरह से खुलते हैं तो पोर हो गए कि इधर खाली एक बीच में और एक किनारे, तो तीन पोर होते हैं, तीन छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है बहिर्मुखता या एक्सटर्नलिटी सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा मूल सिद्धांत है। बोला जा रहा है कि बहिर्मुखता या एक्सटर्नलिटी ये अर्थशास्त्र की किस शाखा में है। तो ये अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ऐसा हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर है, यह किसने बताया। यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत के नए मंदिर है, ये जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय परिपथ द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी गई है। अब कई भी कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, फ़ोन में जो कंप्यूटर या लैपटॉप पढ़ता है जिस भाषा को, उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। यानी उसमें क्या होता है, 01001010 ऐसे करके पढ़ता है, उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो बोल रहा है अंकीय परिपथ द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी गई है। तो द्विआधारी पद्धति को, यानी कि बाइनरी सिस्टम में पढ़ती है, लैपटॉप कंप्यूटर जितने भी मशीनरी हैं वो सब चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी रेजर से याद रखिए जिलेट, तो सेफ्टी रेजर का जो आविष्कारक है वो जिलेट साहब है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसीलिए जिलेट नाम का भी एक आता है सेफ्टी रेजर। तो सेफ्टी रेजर का जो आविष्कारक है वो है जिलेट। सही मिलाना है कि सही कौन सा है। तो मांसल आहार में कैल्शियम तो नहीं होता है, कैल्शियम दूध में होता है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। मंड और विटामिन मत्स्य में, बिल्कुल नहीं, मत्स्य में बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है, दूध में कैल्शियम होता है, यहाँ रेशा और खनिज लिखा है, गलत है। अंड में प्रोटीन और वसा होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर चौथा। यानी कि ये सही का मिलान देना था, चार को ऑप्शन दिया हुआ था, कौन सही है उसको चुनना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय का बात करें तो लॉर्ड लिन लिथगो था, नाम याद कर लीजिए। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी उस समय का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो थे। नेक्स्ट है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है। तो आईपीसीसी का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू को साथ मिलाने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो वहां पे तीन थे, चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट, ये तीन थे तो जो एक साथ मिले थे कांग्रेस में। तो कांग्रेस के अन्य नेता इनके साथ ऑप्शन में नहीं है एनी बेसेंट, इसलिए चित्रंजन दास। तो तीन ही थे, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और चित्रंजन दास। तो इसका राइट आंसर चित्रंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित किसको मिलता है। तो ये होता है डिप्टी चेयरमैन को मिलता है, यानी कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो डिप्टी चेयरमैन योजना आयोग का उपाध्यक्ष को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांग सान सुकी कहाँ की मूल निवासी है। तो यांग सान सुकी ये म्यांमार के पठारी क्षेत्र का मूल निवासी है। यांग सान सुकी कहाँ की मूल निवासी है, तो म्यांमार के पठारी क्षेत्र में इसकी निवासी पाई जाती है, जो वहाँ के राजनेता के रूप में भी माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा म्यांमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए? तो डीपीटी वैक्सीन है जो तीन बीमारियों से बचाने का काम करता है, याद कर लीजिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। इसको से बचाने के लिए हम लोग डीपीटी वैक्सीन का यूज करते हैं। तो डीपीटी वैक्सीन को यूज किया जाता है मुख्यतः तीन बीमारियों को दूर करने के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरो का दाम जल से अधिक होता है क्यों? आप जानते हैं कि हीरो से ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने वाली है जल, कम सबसे कम मात्रा में उपयोग होने वाली है हीरो, यानी कि इसका जो मूल कारण है वो क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। यही कारण है कि हीरा जो है ज़्यादा उसका दाम अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रेताओं के लिए सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, क्रेताओं के लिए सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, यही कारण है कि हीरे का दाम जल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो 5% जल वाले को एथेनॉल को आपको मानते हैं 100% तो होता नहीं है, इसको शुद्ध करके 95% अल्कोहल और 5% जल बनाया जाता है। शुद्ध करने के बाद ऐसा प्राप्त होता है, इसीलिए बोला जाता है परिशोधित स्प्रिट, यानी कि 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्प्रिट कहा जाता है। टोडा कहाँ का मूल निवास है? तो भारत का तमिलनाडु का एक निवासी है जो टोडा समुदाय के लोग वहाँ पाए जाते हैं। तो टोडा भारत के तमिलनाडु में मिलते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। वन स्ट्रा रेवोल्यूशन किसने लिखा था? वन स्ट्रा रेवोल्यूशन को लिखने वाला मेसनोबु फुकुओका, इनका लिखा हुआ है वन स्ट्रा रेवोल्यूशन, यानी कि वन स्ट्रा रेवोल्यूशन के जो लेखक है वो मेसनोबु फुकुओका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सोशलिज्म का जो लेखक है वो जयप्रकाश नारायण है, जिसके अध्यक्ष बाद में एम एन राय को बनाया गया। तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पता होता है, ये किस में होता है? ये बिल्कुल मानवों में ऐसा होता है कि तापमान अचानक कम होने के कारण शरीर का ताप अधिक हानि फलस्वरूप अल्पता होता है, तो ये ऐसा मानव में होता है। और याद रख लीजिए कि मानव का जो शरीर का टेम्परेचर है वो 34.5 से लेकर 38 के बीच में सही माना जाता है, जनरली 35°C रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया कौन सा रोग है? तो एक ऐसा रोग है जो पूरे वर्ल्ड में उसको समाप्त कर दिया गया है टीका के माध्यम से, वो है चेचक रोग। चेचक बिल्कुल वर्ल्ड भर में इसको एंड कर दिया गया है, इसीलिए चेचक का टीका भी लगाया जाता है छोटे बच्चों को। तो इसको बोला जाता है कि पूर्ण उन्मूलन जिसको चलता था उसको समाप्त कर दिया गया है उन्मूलन अभियान के तहत, तो इसका हो जाएगा स्मॉल पॉक्स या चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त होने वाला, यानी कि जो मुंह से लेने वाला गोलियां होती है गर्भ निरोधक, और उससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दो तरह का हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। याद रख लीजिए, जो भी महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाई जाती है उसमें जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन होता है और एस्ट्रोजन, दो हार्मोन निकलता है। तो एस्ट्रोजन इसमें से कोई नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो इसमें टिक करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। दो तरह का हार्मोन याद रख लीजिए, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर इसका प्रोजेस्ट्रॉन आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा पार प्रदूषक या अम्ल वर्षा का क्या कारण है? देखिए, अम्ल वर्षा का मुख्यतः कारण है कि ईंधन जो भी बड़े बड़े भट्टी हैं उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वो वातावरण में मिलने के बावजूद फिर बाद में रिसाइकलिंग के दौरान वर्षा होती है तो उसमें घुल मिल जाते हैं अभिक्रिया के दौरान। तो हम ये बता सकते हैं कि अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है ईंधन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, कपड़ों पर जंग लग का दाग रखने के लिए, ऐसे भी आप सुनेंगे कपड़ा पे दाग लगता है तो टमाटर से जल्दी छूटता है, और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल होगा, कपड़ों पर जो जंग लगता है वो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया? रुधिर वर्ग का जो पता लगाने वाले थे वो लैंड स्टेनर थे, यानी कि कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ए बी, ए बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ, तो ये सब
अलग अलग ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले वो थे लैंड स्नेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, चाहे मुझे आपका मत मिले या नहीं मिले, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये किसने कहा था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसा कहा था। दोबारा जब वो वहाँ से राष्ट्रपति बन रहे थे तो उन्हीं का ये वर्ड है, उन्हीं का ये कथन है, उन्हीं का सेंटेंसेस है कि चाहे मुझे आपका मत मिले या नहीं मिले, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे ही सीखा है और मुझे बेहतर राष्ट्रपति आप ही ने बनाया है। ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, कब? जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। तो थैंक यू इस पूरे वीडियोज को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से जुड़े रहे। फिर अगेन मैं इसका सेट 2 लाने वाला हूँ। थैंक यू।